झारखंड के कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उन्हें ईडी की गिरफ्तारी के मामले में शीर्ष अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए, ऐसे में अब हेमंत सोरेन हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते, कृपया हाईकोर्ट जाइए, मेरे साथी जज भी इससे सहमत है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को नहीं सुन सकते। झारखंड के कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उन्हें ईडी की गिरफ्तारी के मामले में शीर्ष अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए, ऐसे में अब हेमंत सोरेन हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते, कृपया हाईकोर्ट जाइए, मेरे साथी जज भी इससे सहमत है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को नहीं सुन सकते। झारखंड के कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उन्हें ईडी की गिरफ्तारी के मामले में शीर्ष अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए, ऐसे में अब हेमंत सोरेन हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते, कृपया हाईकोर्ट जाइए, मेरे साथी जज भी इससे सहमत है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को नहीं सुन सकते।